बट नहीं, सीरियसली इट्स गुड कि तू ये करवा रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग ना इग्नोर करते रहते हैं कि हाँ हल्का सा पेन है, हल्का सा पेन है, बट प्रॉपर ट्रीटमेंट इज गुड। गुड मॉर्निंग नहीं है ये क्या हो रखा है बेटा, टाइम शाम हो गई है और 5। लास्ट वीडियो में जब हम मिले थे तो मैंने तुमसे कहा था कि हम बहुत ज़्यादा हेल्थ पे ध्यान देंगे, खूब सारी डाइट अच्छे से लेंगे और जिम भी जाएंगे ढंग से, लेकिन उसके बाद से 2 दिन में जिम ही नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि मेरे शोल्डर में मैंने बताया था काफ़ी पेन था, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा पेन और बढ़ गया था, तो मैंने 2 दिन का रेस्ट लिया। मैं फिर फिजियोथेरेपी के लिए कायरोप्रैक्टर के पास भी गया, तो अभी आज हम फिर वहाँ जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा अभी 4-5 दिन और आना पड़ेगा और देखते हैं कैसे ठीक होएगा। तो वैसे तो हम डाइट अच्छे से ले रहे हैं, ऐसा नहीं है डाइट छोड़ दिया है, 2 दिन नहीं गए जिम तो क्या होगा। थैंक्स मेरे बेटे। मैं सोचूं ये क्या ला के दे दिया, और मैंने पानी मंगाया था। यश हमारे 83 ईयर ओल्ड हो चुके हैं, तो प्रोटीन भी मैं ले रहा हूँ, और ये प्रोटीन वैसे तो अच्छा है, लेकिन मैं कुछ भी कहूँगा मेरे से पूछ के मत लो, जो भी चीज़ लो वो ट्राई वो किसी एक्सपर्ट से पूछ के लो। हाँ ये फाइनली सेंटेंस, मैं धीरे धीरे बोलना सीख रहा हूँ, अभी मैं बच्चा हूँ, छोटा सा पैदा हुआ हूँ, सॉरी मैं थोड़े गलत स्कूल में चला गया था। वैसे तो मुझे नेक्स्ट ट्रिप की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और मेरे से रहा नहीं जा रहा कि मैं तुम्हें बताऊँ, क्योंकि नेक्स्ट ट्रिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाली है। हम कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं, और हम सिर्फ 2 जने नहीं जा रहे हैं, हम 2 जने नहीं जा रहे, वैसे तो अब जुड़ते ही रहते हैं हमारी ट्रिप पे, वो अच्छी बात है, अब हम अकेले नहीं जाते, मज़ा आता है सबके साथ जाने में, तो वो तुम्हें पता चलेगा, मैं बार बार नहीं बोलना चाहता, नेक्स्ट ट्रिप नेक्स्ट में ही बात करेंगे इस बारे में, तो चलो चले अभी, चलो चले। मन्नी के इलाज का समय हो चुका है। मेरा पति बीमार है, तो मम्मी मारेगी तेरे को, और ये सोने की क्रीम चुराते हुए पकड़ा गया, मेरी पूरी अलमारी खोल दिया तूने क्रीम के चक्कर में, तो तूने रखी ऐसे। तो अभी हो गए हैं 5:20 एंड हमारी लास्ट मील का टाइम है 6 बजे, उससे पहले हमें खाना है एंड हमने अभी नहीं खाया है, और अब हमें डॉक्टर के भी जाना है, तो बेसिकली सब कुछ इधर उधर हो रहा है। नहीं नहीं कुछ खाएंगे, जैसे ही हमारे यहाँ लाइट जल चुकी है सारी भर भर के, काफी ज्यादा भीड़ है, इसलिए हम सोच रहे हैं ओए हलवाई दुकान कर रहा है, ओए हलवाई। वैसे काफी ज्यादा भीड़ हो गई है, और हम गलती से ऐसे मार्केट में घुस गए हैं ना, तो कहीं चलने की जगह भी नहीं है लोगों को, हम बाहर कहीं लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले डॉक्टर के चलते हैं, नहीं तो डॉक्टर भैया चले गए तो हम बीच में फंस जाएंगे। और ये ज्यादा जरूरी है, खाना तो फिर भी खा लेंगे। मैं कह रही थी मेरा पति 83 इयर्स ओल्ड हो चुका है, बट नहीं सीरियसली इट्स गुड कि तू ये करवा रहा है, क्योंकि काफी लोग ना इग्नोर करते रहते हैं कि हाँ हल्का सा पेन है, बट प्रॉपर ट्रीटमेंट इज गुड। कुंग फू मास्टर जैसे तोड़ाई करते हैं ना और फिर ठीक हो जाते हो तुम, तो वैसा हुआ है मेरे साथ। अब हम मार्केट आ गए कुछ खाने पीने। हेलो, यस। मैं वहाँ से देख के मैंने कहा आप हमारे व्लॉग में है, हाय कर दे, बाय चांस आप हमारे रेयर व्लॉग्स में है जो हम कम ही बनाते हैं, हमने इन्हें पैसे नहीं दिए पीछे से आके हाय कर दे। मैं आई एम वर्किंग इन टीसीएस और मैं अभी ऑफिस से छूट के आ रहा हूँ, मैंने देखा उतने दूर से तो मैंने कहा अरे भाई को तो मैंने देखा है कहीं। चलो अच्छा लगा मिलके, थैंक यू सो मच, नाउ आई एम शाय। ऐसे ही अच्छा लगता है जब कोई ऐसा मिलता है ना, लेकिन यार इतना जगमग हो रखा है, मस्त लाइटिंग हो रखी है, दिवाली का माहौल बना हुआ है पूरा, बहुत बाय चांस। अच्छा हम खाने के लिए आए थे, लेकिन हमने ये मार्केट देखी, हमने सोचा कि कोई नहीं डॉक्टर के बाद यहीं आएंगे, और हम यहाँ घूमेंगे फिर खाते पीते। कल तो बड़े मजे आए, कल हम मार्केट गए और खाना पीना खाया। यस, मन्नी ने बहुत ज्यादा वो खाए, गोलगप्पे, हाजमा हजम, हवा में उड़ गई डाइट वहाँ से। डाइट का कोई मतलब नहीं रहा वहाँ पे, लेकिन फिर भी काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि दिवाली वाला जो फील होता है ना वो थोड़े दिन ही रहता है, फिर हाँ। उसको देखने का तो अभी मज़ा होता है, फिर नहीं जाता फिर मज़ा हो। और जो ये गद्दा पीछे दिख रहा है वो कभी कभार वीडियोस बनाते हैं तो उसमें आवाज़ बाउंस बैक होए, साउंड प्रूफिंग भी इसलिए, नहीं तो गूंज सो भी सकते हैं शूट करने। हाँ फिर सो जाओ नीचे रख के से, नहीं तो वैसे आवाज़ बहुत तेज होती है इस रूम में, क्योंकि इस रूम में कुछ है नहीं ना, तो गूंजती बहुत है आवाज़। ओ देखो पता है मेरे पास स्नैपचैट पे वो आई हुई थी मेमोरीज, 1 साल पहले हमने ये गद्दा लिया था, हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे थे,
जूम की आवाज आई है, जोमेटो आने वाला है, जोमेटो आने वाला है, जोमेटो ने हमारा पेट भर रखा है बहुत। जोमेटो जोमेटो चलता रहता है यहाँ पे, ये गेम खेलते रहते हैं, मजे आ रखे थे। पिज्जा तो तू खा रहा है, मजे तो तेरे आ रखे है। मैं पिज्जा नहीं खा सकती क्योंकि वो मैदा चीज ये वो एक सब बता तू रेडियो के क्यों है। मैं कल के कपड़ों में अभी भी कल के कपड़ों में ही हूँ और ये देख काम कर रही थी। ये सही है, काम करने के लिए कपड़े कितने अच्छे हैं। हमारे कपड़े तो ऐसे होते हैं काम करने वाले। अब हमारा थोड़ा रेस्टिंग टाइम है तो ये गद्दा बाहर जाएगा। यस वी हैव सोफास बट सोफे पे सामान रखा हुआ है तो ये गद्दा इधर से उधर होता रहता है तो ये सोफे से सामान हट भी सकते हैं। वो थोड़ा आलस भरा काम है और ये मेहनत वाला। चलो इसे गिरे, मुझे उधर गिरना था। इसे यहीं बिछा दो, यहीं टीवी देखो बस। कुछ ज्यादा ही फ्री और घर पे कोई नहीं होता तो हम इस गद्दे के मजे आ रखे। गद्दा सोचता होगा मैं कितना घूमता हूँ, वरना गद्दे सालों साल एक ही जगह पड़े रहते हैं और हमारा गद्दा घूमता रहता है। यस खाने की बात तो लगे, लेकिन ये तूने क्या पहन रखा है? सॉक्स देखिए अपनी। मेरे को यही मिले ब्लैक एंड व्हाइट जस्ट लाइक माय पर्सनालिटी। आओ खाना खाते हैं। कुछ नहीं बकवास, कपड़े टाइम पे धोए नहीं। मन्नी का इसमें बिल्कुल पेट नहीं भरने वाला है और फिर मन्नी मेरा खाना खा रहा होगा। नहीं मेरा भर जाएगा, मैंने ऑलरेडी अच्छा खाना खा रखा है। खुशबू आ रही है इसमें से। ये एक थोड़ा सा बस अपने आप को खुश रखने के लिए। ओ हम पता क्या कर सकते हैं, ये ना मल्टीग्रेन है, हम इनको बोल सकते हैं कि चीज मत डालना दूसरे वाले पे, एक और ऐसे कुछ नहीं हो ऐसे कर सकते हैं। फिर पिज्जा बचा ही क्या, रोटी सब्जी। ये वैसे हमने डाइट अच्छे से ले ली है ऑलरेडी, मतलब हमने सुबह खाया था अच्छे से। मैं इतना ग्रेवी वाला वाइट कपड़े पहन के खाने वाली हूँ, फन। बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन कल जो मेरे को मस्त मज़ा आया है ना, मतलब अपना हाथ ठीक करा के, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे को जो 2 महीने से पेन था वो 2 दिन में मतलब बिल्कुल 95% ठीक हो चुका है। और आज मैं जब जिम गया तो मेरे को अच्छा लग भी रहा था, 2-3 महीने बाद इतना तो कभी फील हुआ ही नहीं ऐसा वाला फील ना, तो कभी कभार दिखा लेना चाहिए। सोनिया का पेट नहीं भरा है, मेरा पेट भर गया। मैं मन्नी के लिए मैगी बना रही हूँ, मैंने कहा था तेरा पिज्जा से पेट नहीं भरेगा। मतलब ये आटा वाली मैगी है, आई नो थोड़ा बहुत उल्टा सीधा खा लेते हैं हम बीच बीच में, लेकिन मेजोरिटी जो फूड होता है वो अच्छा ही खाते हैं, लाइक अपना प्रोटीन वगैरह सब टाइम पे लेते हैं और फूड भी अच्छा वाला ही खा रहे हैं हम। सुबह भी हमने क्या खाया था, सुबह हमने खाया था प्रोटीन मील खाई थी। प्रोटीन मील मतलब चिकन और चावल ज़्यादा थे, उसमें वेजीज ज़्यादा थी। कभी कभार ऐसे खाना पड़ता है जब तुम काम वाम कर रहे होते ना, अभी पूरे दिन एडिटिंग चल रही थी तो इसलिए कभी कभार ऐसा फूड भी खाना पड़ता है जल्दी जल्दी जो मिल जाए। मैं ऐसे हाउस मॉम बन गई हूँ, मैंने इतने ज़्यादा प्लांटर्स खरीद डाले, पूरा सजा दिया बर्तन का, वो पूरा रैक लगा दिया। नहीं प्लांटर्स एक प्लांट नहीं है उसको अभी, वो आए नहीं। ये क्या लग गया, ये है इतनी ज्यादा फ्रॉथी कॉफी, नो शुगर, यम्मी। मतलब बकवास खाते पीते रहते हैं हम पूरा दिन। अरे ये लैक्टोज फ्री दूध में नो शुगर है और क्या चाहिए। अभी सुबह नहीं हो रही है बिल्कुल, दोपहर के 12 से भी ऊपर का टाइम हो रहा है, हमें थोड़ी देर में निकलना है, कुछ काम नहीं हुआ और यहाँ पे ये हो रहा है पैम्परिंग सेशन। मैं तो बस सोना चाहता हूँ, मेरे को ये किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये पूरे दिन या तो अपने फ़ोन पे होता है या लैपटॉप पे होता है या टीवी देख रहा होता है और फिर कहता है कि मेरे को सर दर्द हो रहा है या ये हो रहा है, तो उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ऐसे फेस पे कुछ लगा के मैंने लिटा दिया कि चुपचाप लेटा रहे और रिलैक्स कर। उसमें भी कह रहा है कि मत लगा, मेरे को ठंड लग जाएगी और इससे कुछ नहीं होगा, मेरा मुँह और गंदा हो जाएगा। शीट मास्क है वो, अच्छा होता है। मन्नी मन्नी बैल बजिए उठ। ठीक हमने कैमरा लगवा दिया, कैमरा नहीं था घर के बाहर तो वो लगवा दिया। चोर लग रहा है, चोर। ताकि हम देख सके कौन आ रहा है कौन नहीं, ये ज्यादा बढ़िया और मत क्लियर दिख रहा था ना। हाँ। तो ये एक जरूरी चीज थी, ये तो लगवानी थी। जा चोर भाग के देखा, मैंने तेरा ये रबर बैंड चुरा लिया, अब मैं पकड़ी जाऊंगी। आ जा वापस। एक गेम खेलते रहे पूरे दिन में। फोटोशूट भी कर सकते हैं। हाँ। कितना मस्त लगेगा। बस यही बकवास कर रहा है, वो इस काम के लिए नहीं है। तो हम हैं सोनिया गर्ग के साथ और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, जब हम होंगे कहीं और। यस वो भी तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। नेक्स्ट मिलते हैं, बाय बाय।
हेल्थ बात।